फिल्म की स्टार्ट में हम बेल को देखते हैं और वो हमेशा अकेले रहता है, और उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके पास होने की खुशी में उन लोगों ने एक पार्टी रखी है और वो उसको इनवाइट करते हैं, पर बेन उस पार्टी में जाना नहीं चाहता। अपने फादर के फोर्स करने पे वो सबसे मिलता है और बाद में फिर वो अपने कमरे में अकेले बैठ जाता है और उसके कमरे में एक महिला आती है, उसका नाम रॉबिन्सन होता है, और वो बेन से कहती है कि उसको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, वो कब तक ऐसे अकेले रहेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा। और वो बेन से कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। इसके बाद बेन उसको उसके घर छोड़ने जाता है, बेन और वो बेन को अपने घर में इनवाइट करती है और बेन उसके घर में जाता है और घर में बैठ के वो बेन से काफ़ी सारी बातें करती हैं। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बेन से इंटीमेट हो जाती है और वो बेन से कहती है कि उसके हस्बैंड काफ़ी देर में आएंगे, तब तक वो यहाँ पर रुक सकता है, और बेन उससे कहता है कि उसको घर जाना है। और वो महिला बेन को काफ़ी मनाती है और बेन मान जाता है और वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और उस कमरे में एक पेंटिंग लगी होती है और बेन उससे पूछता है कि ये पेंटिंग किसकी, और वो महिला उससे कहती है कि ये पेंटिंग उसकी बेटी की है और उसका नाम एलान होता है। पेंटिंग देख के बेन काफ़ी खुश होता है और उसके बाद बेन उनसे कहता है कि वह भी उनको पसंद करता है, पर उसको उसके हस्बैंड से डर लगता है और वो महिला बेन को अपने करीब लाने की कोशिश करती है, पर बेन उस कमरे से बाहर आ जाता है कि और बाहर आके वो देखता है कि उसी महिला का हस्बैंड आ चुका है और वो बेन से मिलता है और उससे बातें करता है। और उसके बाद हम देखते हैं बेन अपने पेरेंट के साथ कहीं घूमने गया है और वहाँ पे वो काफ़ी इन्जॉय करता है, और उसके बाद वो उसी महिला को फ़ोन करके एक होटल में बुलाता है और वो वहाँ आती है और उससे पूछती है क्या उसने कमरा बुक किया, और उसके बाद वो रूम बुक करता है और रूम में जाके दोनों इंटीमेट होते हैं। इन सब के अफेयर को काफ़ी महीने बीत चुके हैं। एक दिन बेन से वो बोलते हैं कि उसका डिवोर्स होने वाला है और वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, और बेन उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को लाइक करता है, उसने जब से उसकी पेंटिंग देखी है वो उसको पसंद आ गई थी और वो उसको डेट करना चाहता है। बेन की बात सुनकर वो महिला उससे गुस्सा हो जाती है और बाद में बेन उससे कहता है कि वो उससे मजाक कर रहा था। इसके बाद हम बेन की फैमिली को देखते हैं और उसके फादर बेन की शादी एलान से करवाना चाहते हैं और अपनी फैमिली की बात मान के वो एलान को डेट करता है, और इसके बाद दोनों डेट पे जाते हैं। डेट पे एलान को चलता है कि बेन उसको लाइक नहीं करता है और एलान वहाँ से जाने लगती है, तभी बेन उसके पास जाता है, उसको मनाता है और दोनों किस करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन हम देखते हैं उसकी कार में वही महिला बैठी होती है और वो बेन को धमकी देती है कि अगर उसने उसके पति से शादी की तो वो सब कुछ बता देगी, और बेन गुस्से से कार से उतरता है और उसको बोलता है कि वो खुद ही सब कुछ बता देगा, और वो महिला उसको रोक लेती है और उसकी बेटी एलान समझ जाती है कि क्या चल रहा है, और वो बेन से कहती है कि उससे कभी ना मिलना, वो उससे नफरत करती है। और अब बेन काफ़ी उदास रहता है और वो एक डायरी में एलान का नाम लिखता है और उसको बहुत मिस करता है। एलान को मनाने के लिए उसके पास पहुँचता है और वो एक बस का पैसा करता है, उस बस में एलान होती है। एलान उसको देख के इग्नोर कर देती है। एलान जब स्कूल पहुँचती है तो उसके पास एक लड़का आता है और बेन ये देख के काफ़ी दुखी होता है। एलान बेन से कहती है कि वो काल से शादी कर लेगी और परसों उन दोनों की शादी है। परसों बेन एलान के घर पहुँचता है और वो उसके घर पहुँचता है, उसकी माँ उसको मिलती है वहाँ पर, और वो बेन को बोलती है कि आज उसकी शादी है, और भाग के बेन चर्च पहुँचता है और वहाँ देखता है कि उन दोनों की शादी हो रही होती है, और वो बाहर से आवाज़ लगाता है और उसकी बात एलान सुन लेती है। फिर वो दोनों भाग के एक बस में बैठ जाते हैं और फिर बेन और एलान दोनों शादी कर लेते हैं, और इसके साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।